मैं हूँ शिखा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का सीन ये है ना कि बाहर बारिश हो रही है और बहुत अच्छी बारिश हो रही है, और जब बारिश होती है ना तो फिर आपको पता है पकौड़े खाने का मन करता है, इसलिए और मौका भी है, दस्तूर भी है, मेरे पास पकौड़े के लिए मिर्च भी है, इसलिए अब मैं बनाने वाली हूँ आज मिर्च की भजिया। वो जो मोटी वाली आती है ना, बस उन्हीं की बनाने वाली हूँ। तो चलिए बनाते हैं। गाइज़ ये देखिए, ये वो मिर्च है जो मैं ख़रीद के लाई थी, और इसमें काफ़ी सारे सूख भी गए हैं, थोड़े पीले हो गए हैं, क्योंकि क्या हुआ था ना कि ये एक हफ्ते से घर में रखे हैं और मैं रोज़ सोचती थी बनाऊंगी बनाऊंगी, लेकिन कभी टाइम आता नहीं था। बट अब बारिश आ गई तो आज तो बनाना ही था। तो मैंने इनको धुल के मैं इनको अच्छे से पोंछ ले रही हूँ, और मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप चाय बना दीजिए, क्योंकि अपने हाथ की चाय बना बना के पी पी के यार बोर हो जाते हैं, है ना। कभी कभी कुछ चेंज भी चाहिए होता है। तो बस अब मैंने ये धुल के पोंछ लिया है, फिर उसके बाद मैं इसको कट करूँगी। तो मेरी एक्चुअली हस्बैंड को क्या है ना, बीज इसके बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब उनको बीज किसी भी चीज़ के पसंद नहीं है। तो मैं बीज जो है सारे निकाल दूँगी, आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहो अगर बीज खाना चाहते हो तो आप ले सकते हो। और मैं बीज से काट रही हूँ, और मतलब चार टुकड़े, एक मैं मिर्च के कर रही हूँ। और मैं ऐसा ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि क्या है ना कि जो जब आप जाते हैं बाहर से खरीदते हैं तो उनकी कढ़ाई बड़ी सी होती है, सारा तेल वो यूज़ करते हैं, बट मैं तो बहुत कम तेल में तलूंगी, तो इसीलिए मैं बीच से काट ले रही हूँ ताकि अच्छे से तल जाए। और बस अब चॉपिंग जो है मेरी हो गई है, किचन को मैं क्लीन कर देती हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे बीज जो है ना वो फैल गए हैं, तो वो अच्छा नहीं है। साथ ही साथ किचन को क्लीन वगैरह कर लो, सारा काम हो जाए तो अच्छा रहता है। और देखिए अब इस कुछ इस फॉर्म में आ गया है, तो अब मैं इसका मिक्सचर तैयार करती हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और चावल का आटा। चावल के आटे से बहुत कुरकुरा क्रंचीनेस आ जाती है। फिर उसके बाद धनिया पाउडर और थोड़ा सा गर्म मसाला लिया है, थोड़ा सा हल्दी लिया है, और एक चम्मच लिया है मिर्च, और उसके बाद मैजिकल वाला जो मेरा है ना नमक, वो लिया है जिसमें धनिया लहसुन मिर्चा मिक्स है। तो यहाँ पे मेरे पास एक्चुअली क्या है, पिसी लाल मिर्च नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, और आप चाहे डाल सकते हैं या फिर मिर्च कूट के भी डाल सकते हो। तो मेरे नमक में था मिर्च इसलिए नहीं डाला, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं घोल लूँगी। और बैटर देख रहे हो आप कि थिक ही रखना है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं और रनी भी नहीं, क्योंकि इसको क्या है ना कोट करना है। तो अगर कोट करने में अगर मतलब पतला हो गया तो बहुत दिक्कत आएगी, वो बह जाएगा। तो बस अब मेरा तेल जो है वो तैयार हो गया तलने के लिए, और मैं मिर्च तल दे रही हूँ। तो एक मैंने एग्जांपल के लिए ऐसे ही खड़ा खड़ा रख लिया था, और वो मिर्च जो था ना वो छोटा भी था। और बस देखिए कैसे मैं इस तरीके से तल ले रही हूँ, और मैं फॉक का यूज़ कर रही हूँ उसको पलटने के लिए, क्योंकि उससे फॉक से ना बहुत अच्छे से तल जाता है। फ़र्स्ट वाला बैच जो है ना, मैंने बहुत ज़्यादा लाल नहीं किया है, मतलब क्रंची तो है, मतलब एक जो बहुत ज़्यादा लाल हो जाता है ना वो लाल नहीं किया है। बस अब मैं पूरी जा रहा है की हेल्प से इसको निकाल दे रही हूँ, और मेरे पास अभी टिश्यू पेपर नहीं है। तो बैठे हो क्या कर रहे हो बेबी? पापा से बोल दो चाय बन गई। पापा चाय बन। और तुमने क्या हालत कर ली सोफे की? आप लोगों ने देखा अयांश को अब सेंटेंस बिल्डिंग आ गई है थोड़ी थोड़ी, और आप बच्चों से जितनी बात करोगे ना वो उतनी जल्दी सीखेंगे। और यहाँ पे मैंने अपने पकौड़े और चटनी भी मैंने जल्दी से बना ली थी, और चटनी जो ये है ना टमाटर वाली नहीं है, क्योंकि घर में चटनी जो है वो ख़त्म हो गई थी, सॉरी टमाटर ख़त्म हो गया था। और हस्बैंड का अभी भी काम चल रहा है, हालाँकि आज सैटरडे है और सैटरडे को उनकी छुट्टी होती है, बट फिर भी आज छुट्टी नहीं थी। तो बड़ा बुरा लगता है यार कि साथ में मतलब ढंग से बैठ के खा भी नहीं सकते हैं, बट उन्होंने बोला मैं बाद में खाऊंगा, तो मैंने सोचा चलो ठीक है साथ में बैठ के जितनी देर उनको डिस्टर्ब ना हो उतनी देर बैठ के एटलीस्ट हम लोग खा सकते हैं। तो अयांश को भी देखिए कितना ज़्यादा, मतलब कुछ भी साथ में जब हम लोग खाते हैं ना तो इसको भी बहुत अच्छा लगता है, और ये भी साथ में खाता है बराबर। तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए और बताइए कैसी बनी है, और जब आप लोग भी बनाओगे तो प्लीज़ मुझे तब भी बताइएगा कि कैसी बनी है। और अयांश ने जब देखा ना कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो वो भी सेम ऐसे ही कर रहा था, अपना पकौड़ी लेके और स्क्रीन में बार बार आप लोगों को खिलाने की कोशिश कर रहा था, बस वो थोड़ी सी कट रही थी। और खा पी लिया, अब बज रहे हैं 7:15, तो हम लोग को थोड़ा सा बाहर जाना था। एक्चुअली लेना तो घर का सामान था, तो हस्बैंड ने बोला कि चलो आज मॉल चलते हैं, क्योंकि जब से कोविड वाला हुआ ना, मतलब एक साल से हम लोग मॉल नहीं गए हैं, तो एक साल से ऊपर ही हो रहा है हम लोग मॉल नहीं गए, तो बस खुशी थी कि अच्छा चलो ठीक है आज मॉल चलते हैं। बाय पापा की, बाय।
की ट्रेन गाइज। जब सड़क के किनारे इतने सुंदर पेड़ लगे होते हैं ना तो दिल बहुत खुश हो जाता है। और बेंगलोर को ऐसे ही नहीं ग्रीन सिटी कहते हैं, यहाँ पे चारों तरफ मतलब इतने अच्छे अच्छे पेड़ लगे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। अब हम लोग मॉल में आ चुके हैं और आप देख सकते हो मतलब कितना सुंदर लग रहा है, कितनी अच्छी डेकोरेशन करके रखी हुई है यहाँ पे। चूज करनी है बाबू, चूज कर लो, वही कार हम लोग ले लेंगे। तो इस पे चलना है मजा आती है लग रहा है। मास्क सही करो बेटा। तो गाइज़ मुझे मॉल आए 1.5 साल से ऊपर हो गए, बट ऐसा लग रहा था ना आज ज़िंदगी में पहली बार आई हूँ, मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी जब फर्स्ट टाइम मॉल गई थी, जैसी फीलिंग आ रही थी ना सेम ऐसी आ रही थी। तो यहाँ पे ज्वेलरी के काफ़ी सारे ब्रांड्स जो थे लाइन बाय लाइन लगे हुए थे, मतलब सारी शॉप्स थी। तो मेरा बच्चा बार बार उधर जा रहा था तो मैं बोल रही थी नहीं बेटा अभी मत जाओ, अभी नहीं हम लोग ले सकते हैं। और ये पापा और बच्चा दोनों सेम ड्रेस पहने हैं। और दूसरी चीज़ पता है ये एकदम पसर गया वहाँ पे, एकदम मतलब ज़मीन में लोट गया कि नहीं पापा मुझे एस्केलेटर से जाना है, एस्केलेटर से जाना है। मतलब इतना ज़्यादा ये रोने लगा, इसको इतना मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और जब भी कोई चीज़ थोड़ी सी वाइब्रेट होती है ना, लाइक वॉशिंग मशीन वाला वगैरह चलती है, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद जब इन्होंने टॉय सेक्शन देख लिया तो इनको टॉय सेक्शन में तो जाना ही था। और बेस्ट पार्ट ये थी कि आज इसने खिलौने के लिए ज़िद नहीं की, अदरवाइज़ बहुत ज़िद करता है। और जब म्यूज़िक बज गया तो इनको डांस करना है। हम लोग थोड़ी देर बैठ गए फूड कोर्ट में क्योंकि बहुत तेज भूख लग गई थी, चलते चलते एकदम थक से गए थे। मतलब सारे फ्लोर तो हम लोगों ने विजिट कर लिए और यहाँ से ऊपर से कुछ ऐसा माहौल लगता है इस मॉल का, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है। और अगर आपको पिक्चर्स लेनी है ना तो माय गॉड बहुत अच्छी आएगी। फिर उसके बाद मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी मुझे बर्गर खाना है, तो हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है आज बर्गर खिलाते हैं बट ऑर्डर तुम्हें करना है। और ज़बरदस्ती मैं गई मतलब मैंने ऑर्डर किया, मैं ऑर्डर लेने गई। और बस यही है, थोड़ा सा बाहर खा पी के थोड़ा सा अच्छा लगा, मतलब पहली वाली फीलिंग आ गई। और इसकी हमेशा आदत है ये पीछे ऐसे खड़े होकर पीछे झाँकना स्टार्ट कर देता, तो मेरे को थोड़ा सा मतलब कोई मना नहीं करता बट थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है ना, कुछ बुरा मान जाए कोई। बस अगेन हम लोग पार्किंग एरिया में आ गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। घर आते आते ना इतना ज़्यादा थक गई मैं कि मैं आपको क्या बताऊं। और आने के बाद सबसे पहले मैंने काम ये किया कि मैंने बच्चे को अपने खाना खिलाया, क्योंकि 2-3 घंटे से ऊपर हो गया था और उसको भूख लग गया होगा क्योंकि मैं दूध दूध वगैरह जो है पिला के गई थी, मतलब उसको यहाँ पे दूध पिलाया था और वहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ खाया था बट काफ़ी टाइम हो गया था। और मुझे भी डिनर भी बनाना था मुझे, तो मैंने सोचा क्या करूँ, मैं सुबह की सब्ज़ी रखी थी, सुबह मैंने राजमा बनाया था, तो बस मैंने ये सोचा कि अब मैं चावल डाल देती हूँ और चावल ली आज हम लोग खा लेंगे, रोटियां भी थोड़ी सी रखी। मम्मा के सर में तेल लगा दो बेटा। बज रहे हैं रात के 10:30 और अयांश के पापा फिर से ऑफिस का काम कर रहे हैं, हम दोनों माँ बेटे की मस्ती चल रही है। तो गाइज़ ये था मेरा वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।